Good morning student, and previous video we have discussed rough chapter. Now in this video we are going to discuss the rest of the chapter. Chapter 7 हम पढ़ रहे थे जग एंड मग्स. हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे क्या है, लुक व्हाट आदित्यन इज सेइंग. यहाँ पे क्या कह रहा है, आई प्यूरेड टू स्मॉल बोतल्स ऑफ वाटर्स टू फिल दिस 1 लीटर बोतल. 1 लीटर बोतल पूरी भरने के लिए मैंने पानी से भरी 2 स्मॉल बोतल्स उसमें डाली. तो हाउ मच वाटर्स डज हिज स्मॉल बोतल होल्ड. तो आपको ये बताना है कि इस स्मॉल बोतल में कितना पानी है. तो क्या करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है. तो इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 500. तो उस छोटी से बोतल में पानी कितना अट रहा है, तो 500 मिलीलीटर. तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 500 मिलीलीटर. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे क्या है, लीला टू फिल द 1 लीटर बोतल्स आई नीड टू पोर वाटर्स 5 टाइम्स फॉर माई स्मॉल बोतल. वो कह रही है कि इससे वो 5 टाइम्स इसमें डाली. तो क्या जानते हैं, फिर वैसे ही 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है. इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसका स्मॉल बोतल में कितना पानी रहता है. देन हाउ मच वाटर्स डज लीला बोतल सोल्ड. तो उसके इस छोटे से बोतल में कितना पानी अट रहा है, तो 200 मिलीलीटर. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 200 मिलीलीटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, रामूज मेजरिंग बोतल्स. रामू की माप की बोतल है. यहाँ पे रामू गॉट इन एम्प्टी 250 मिलीलीटर कोकोनट ऑयल बोतल. वो एक खाली बोतल ले आया कोकोनट ऑयल का, खाली बोतल 250 मिलीलीटर का. लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक हिज बिगर मेजरिंग बोतल. तो उसमें कैसे वो मेजरिंग किया, क्या किया कि इस बोतल से वो पहले 250 मिलीलीटर पानी इसमें डाला, फिर वहाँ पे क्या किया, मार्क कर दिया 250, फिर उसके बाद दोबारा उसमें फिर इसी बोतल से फिर उसमें पानी डाला, तो वो 250 + 250 तो 500 मिलीलीटर हो गया. फिर इसी बोतल से, छोटे वाले बोतल से फिर उसमें पानी डाला, ऐड किया तो 500 मिलीलीटर में 250 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 750 मिलीलीटर. फिर यहाँ मार्क कर देगा, फिर उसमें क्या किया, फिर 250 उसमें और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर. 1000 मिलीलीटर कितने के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर. इस तरह से वो उसको मार्क कर दिया. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. माई मेजरिंग बोतल्स, फाइंड योर ओन वे टू मेक ए बोतल्स विच कैन मेजरिंग 200 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, 800 मिलीलीटर एंड 1 लीटर. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स हाउ यू मेड दिस. तुम मतलब कि तुम इसे कैसे बनाओगे. तो क्या करेंगे, हम एक बोतल ले लेंगे, ठीक है, उस एक छोटा बोतल लेंगे जिसमें कितने के बराबर होगा, वो 200 मिलीलीटर के बराबर होगा. इससे हम पानी पहले डालेंगे इसमें, तो ये यहाँ पे जहाँ पहुँचेगा वहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे 200 मिलीलीटर. फिर आगे दोबारा डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 + 200 तो 400. फिर उसके बाद दोबारा डालेंगे तो फिर 600 हो जाएगा. फिर उसके बाद डालेंगे तो फिर 800 हो जाएगा. 800 में 200 ऐड किए तो 800. फिर उसके बाद डालेंगे तो 1000 के बराबर, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लीटर के बराबर हो जाएगा. इस तरह से मार्क कर देंगे. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. गेस एंड चेक, लुक एट द बकेट्स मग्स ग्लासेस एंड अदर थिंग्स इन योर हाउस. गेस हाउ मच वाटर्स ईच कैन होल्ड. चेक इफ यू गेस इज राइट बाय यूजिंग योर मेजरिंग बोतल. पहले आप क्या कीजिएगा, घर में जितनी भी बकेट है, मग्स है, ग्लास है, सभी थिंग्स को क्या करना है, इकट्ठा करना है. और पहले क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हाउ मच वाटर्स ईच कैन होल्ड. तो पहले गेस करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, जो हम मेजरिंग बोतल बनाए हैं उसे हम गेस करेंगे कि वो सही है कि गलत है. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे क्या है, नीतू इन हॉस्पिटल. नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शंस इन ए डे फॉर 5 डेज़.
तो तीन एक नीतू को 5 दिन तक रोज़ 3 इंजेक्शन लगेगा। तो 1 इंजेक्शन गिव्स 1.5 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन टू योर बॉडी। तो एक इंजेक्शन में उसको 5 मिलीलीटर मेडिसिन उसके बॉडी में जाता है। तो हाउ मच मेडिसिन विल सी नीड फॉर 1 डे। तो एक दिन में कितना मेडिसिन उसके शरीर में जाएगा, तो क्या करेंगे, एक दिन में कितना इंजेक्शन पड़ना है उसको, 3 इंजेक्शन। तो 1 इंजेक्शन से उसको 5 मिलीलीटर पर मेडिसिन जाता है, तो 3 इंजेक्शन से क्या कितना जाएगा, 50 मिलीलीटर। तो एक दिन में कितना मेडिसिन जाएगा उसके बॉडी में, 50 मिलीलीटर। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 डेज। तो 5 दिन में कितना मेडिसिन उसको दी जाएगी, तो क्या करेंगे, एक दिन में 1 डे इज इक्वल टू क्या था मेरा, 1 डे में कितना मिलीलीटर जाता था, 50 मिलीलीटर। तो 5 डेज में, तो 5 डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 मिलीलीटर। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ क्या है, हाउ मच डू वी यूज एट ए टाइम। अब यहाँ आप एक टाइम में कितना यूज़ करते हैं उसके बारे में बताना है। जैसे आई ड्रॉप हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ लेस देन 1 मिलीलीटर एट ए टाइम। एक टाइम में हम 1 मिलीलीटर यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं। वैसे कफ सिरप लिख सकते हैं कि अब कफ सिरप एक टाइम में हम कितना यूज़ कर सकते हैं, 5 ml या 10 ml या 15 ml यूज़ करते हैं। हम लिख सकते हैं मिल्क ही ले सकते हैं, तो एक टाइम में हम 200 मिलीलीटर यूज़ कर सकते हैं। वाटर है कि एक टाइम में हम 250 मिलीलीटर यूज़ करते हैं, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, लिस्ट थिंग्स वी यूज़ मोर देन 1 लीटर एट ए टाइम। आपको यहाँ पे थिंग्स का नाम बताना है जो एक टाइम में आप 1 लीटर से पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे वाटर फॉर टेकिंग बाथ, हम नहाने में 1 लीटर से 1 लीटर से ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हम जब कपड़ा धोते हैं तब यूज़ करते हैं, किचन में काम करते हैं तब यूज़ करते हैं, बर्तन धोने में, चाहे खाना बनाने में, कुकिंग करने में, इस तरह से आप उस थिंग्स का नाम बता देना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ क्या है, प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीना वाटर बोतल्स होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। अमीना का जो वाटर बोतल है उसमें 1 लीटर पानी अटता है। सी ड्रंक 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर और उसका जो फ्रेंड है 150 मिलीलीटर पानी पिया। तो हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट टू हर बोतल, तो उसकी बोतल में कितना पानी अब बचा, तो ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम 1 लीटर क्या जानते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 1000 मिलीलीटर होता है। तो और उसने कितना यूज़ किया, 250 मिलीलीटर वो अपने पी, और उसका फ्रेंड कितना पिया, 150 मिलीलीटर। दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 400 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 1000 में से 400 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बोतल, तो कितना पानी उसके बोतल में बचा, तो 600 मिलीलीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, यूसुफ रन्स ए टी शॉप्स फॉर मेकिंग ए ग्लास ऑफ टी ही यूजेस 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। मतलब एक ग्लास चाय बनाने में वो कितना यूज़ करता है, दूध का इस्तेमाल करता है, 20 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल। यस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी, हाउ मच मिल्क डिड ही यूज़। तो 100 ग्लासेस बनाने में क्या ये कितना यूज़ करेगा, तो क्या लिखेंगे, 1 ग्लास का हो जाएगा, 1 ग्लास इज यहाँ लिखते हैं, यहाँ बनाते हैं, 1 ग्लास में उसको 20 मिलीलीटर यूज़ होता है मिल्क। तो 100 ग्लासेस में क्या हो जाएगा, 100 ग्लासेस इज इक्वल टू क्या, 20 × 100 यानी कि
2000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 लीटर के बराबर होता है। तो कितना यूज़ होगा उसको, मिल्क का ज़रूरत है तो 2 लीटर। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, राधा ग्रैंडमा वाज इल, द डॉक्टर गेव हर ए बोतल्स विथ 200 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिंस। ही हैज़ टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 डेज। राधा की जो दादी थी वो बीमार थी, डॉक्टर ने उसे कितना मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर का मेडिसिन दी, दवाई दिया गया उसको, और उन्हें 10 दिन तक रोज़ सुबह दवाई लेनी थी। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज ही हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग। तो उन्होंने हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी, तो क्या करेंगे हम 200 मिलीलीटर को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा मेरा 20। तो आंसर क्या हुआ, एक दिन में वो, तो वो कितना एक दिन में कितना ली, 20 मिलीलीटर। अब हम आएंगे वाटर। वाटर द टेबल सो द वाटर यूज इन 1 डे बाई ए फैमिली ऑफ 5 पीपल्स, दे लिव इन गुडा लोर विलेज। यहाँ पे 5 पीपल का एक परिवार में है, उसने एक दिन में कित एक्टिविटी यहाँ लिखा है, और उसका वाटर इन लीटर में यूज़ है। जैसे कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में 30 लीटर्स, वॉशिंग क्लॉथ में 40 लीटर्स, क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन में 20 लीटर, और बाथिंग में 70 लीटर। तो टोटल वाटर यूज्ड बाय देम, तो एक दिन में कितना पानी यूज़ किया गया सभी को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 165 लीटर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर्स डज योर फैमिली यूज इन ए डे, गेस एंड फिल दिस टेबल। यहाँ पे एक्टिविटी लिखना है, वाटर यूज इन बकेट एंड वाटर यूज इन लीटर। पहले बकेट में लिखेंगे, मान लीजिए कि 1 बकेट है, तो 1 बकेट में अगर आपका 10 लीटर पानी आता है, तो 2 बकेट में आपका 20 लीटर हो जाएगा। इस तरह से मेजरिंग है, यहाँ पे एक्टिविटी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको बकेट लिख रहा है कितना बकेट यूज़ करते हैं, और उसको लीटर में यहाँ पे लिखना है, और टोटल को जोड़ के जितना होता है उतना लिख देना है कि आपका एक दिन में इतना पानी यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक इन ओशियन, बूंद बूंद से सागर बनता है। पहला क्वेश्चन है, एज देयर एनी टैप इन योर स्कूल एंड योर होम विच इज़ लिंकी। अब मतलब कि आपको बताना है कि आपका कोई टैप है जो नल है जो मतलब कि लीक होता है, उसके बारे में बताना है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर डू यू थिंक्स वी वेस्ट थ्रू ए लिंकिंग वाटर टैप, और कितना मतलब कि वेस्ट होता है उससे आपको ये बताना है। यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, प्लेस योर लीटर जर्स बिलो द लीकिंग टैप्स सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन द बोतल्स, नोट द टाइम्स, आफ्टर 1 आवर चेक हाउ मच वाटर इज इन द बोतल। आपको क्या करना है, 1 लीटर का बोतल लेना है, और जो जहाँ से टैप से लीक हो रहा है उसके नीचे आपको रख देना है, और सब ऐसे रखना है कि जितने भी सभी ड्रॉप्स जो है उस बोतल में इकट्ठा से, और समय लिखना है 1 घंटे के बाद आपको देखना है कि उस बोतल में कितना पानी इकट्ठा हुआ। मान लीजिए कि 1 घंटे में अगर 1 लीटर पानी वेस्ट होता है, तो हाउ फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज़ वेस्टेड इन द डे। तो एक दिन में कितना पानी वेस्ट हुआ, 1 घंटा में अगर 1 लीटर पानी वेस्ट हुआ तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1 लीटर इज बटे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, यानी कि 24 लीटर पानी वेस्ट हुआ इन ए वीक। तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 168 लीटर वेस्ट हुआ इन ए मंथ। तो मंथ में कितने डेज होते हैं, तो 30 डेज होते, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 लीटर। और इन ए ईयर, ईयर में कितने डेज, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12, तो 1 मंथ में कितना वेस्ट हुआ, 720। तो 720 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8640 लीटर पानी वेस्ट हुआ। यहाँ पे आते हैं पजल्स,
एट ए मिल्क सोसाइटी। यहाँ पे क्या है, चेलानूर विलेज हैज़ ए मिल्क सोसाइटी है, गीता और एंड अमीनी वेंट देयर टू बाय 4 liters ऑफ मिल्क। 4 liter ऑफ मिल्क लेने के लिए गई, बट द मेन कुड नॉट फाइंड द 1 liter मेजर्स, तो ही हैड ओनली ए 3 liter एंड 5 liter बोतल्स विथ हिम, बट ही गेव देम एग्जैक्टली 4 liters ऑफ मिल्क्स। एक्सप्लेन हाउ ही डिड दिस, बताओ ऐसा कैसे करने किया, मतलब कि जब पानी दूध लेने गई तो वहाँ पे 4 liter उसको दूध लेना था, लेकिन उसके पास 1 liter मेजरिंग करने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास क्या था, 3 liter एक मेजरिंग कर सकता था, एक 5 liter का बोतल था, तो वह कैसे 1 liter का मेजरिंग करेगा, तो क्या किया, कैसे करेंगे, या नेक्स्ट पेज पे हम बताएं। पहले क्या किया, पहले उसने 5 liter से 2 times उसको क्या किया, उसमें एक बोतल में डाला, तो कितना हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 liter। फिर उसमें से क्या किया, वो 3 liter वाले बोतल से 3 times उसमें से निकाल गया, तो 3 में से 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो क्या हुआ, 9 liter, तो ये इसमें से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 liter, तो उसके तो वो मेजरिंग कर लेगा। यूजिंग द प्रोसेस द मिल्क गिव्स 1 liter टू मिल्क यूजिंग 3 liter एंड 5 liters, तो 3 liter और 5 liter से वो 1 liter डिल 1 liter का मिल्क, मतलब कि लीटर 1 liter का वो मेजरिंग बना सकता है, तो वो आराम से 1 liter का मेजरिंग कर दिया, उसके बाद उसमें 3 liter और डाल दिया, तो उसका 4 liter उसको दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सभी को सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।